अच्छा मुझे बता रही थी आप कि कौन कौन सी डाइट में हमारी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें हमारा कोलेजन जो है वो माइनस ना हो चेहरे का और बॉडी का भी, जाहिर सी बात है क्योंकि हाथों से भी अगर कोलेजन चला जाए और आपके गाल से आँख के एरिया से, तो फिर बुढ़ापा बहुत जल्दी आपको चेहरे पर नमूदार हो जाता है और रिंकल्स भी बहुत जल्दी जगह बना लेते। तो हमें कोई ऐसी सब्ज़ियाँ, ऐसे कोई फल बताएँ जिनमें बहुत ज़्यादा कोलेजन पाया जाता हो। ठीक है, अच्छा फिज़ा, जैसे हम अभी ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि हम अपनी डाइट में एक तो डेली सैलड ऐड कर लें, ठीक है, दोपहर से पहले या 12 बजे के करीब खीरा और साथ में कैबेज लें, और इसके अलावा आप कलर्ड वेजिटेबल्स जितनी भी डाल सकते हैं वो डाल लें, ठीक है, जैसे रेड बेल पेपर है और ग्रीन बेल पेपर और येलो, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा कोलेजन होता है, ठीक है। तो इसकी एक स्मॉल अमाउंट लाइक 1-2 स्पून डालें क्योंकि कड़वी भी होती है, इतनी खाई नहीं जाती, ठीक है। लेमन ऐड करें, शिमला मिर्च, बिल्कुल शिमला मिर्च, ठीक है। और साथ में आप इसमें जो है अपना एक दो फ्रूट्स, जैसे आजकल बेरीज आ रही है, स्ट्रॉबेरी आ रही है, ठीक है, आप वो ऐड कर सकते हैं, शहतूत है उसमें भी होता है, फिर इसके अलावा एवोकाडो है, वो थोड़ा महंगा होता है, हाँ जी थोड़ा, वो तो बहुत कम टाइम के लिए आता है, महीने के लिए होता बस है, बस इसी तरह है। लेकिन ये कि चलिए ये सस्ते सोर्सेज है ना जो आप बड़े आराम से अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, तो कोई सी भी बेरीज जो आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आती हैं आप वो लें और अपने जो सैलड बाउल है उसमें डालें और 12 बजे के करीब इस तरह एज अ स्नैक आप उसको ले लें, ठीक है। और फिर खाने में रोटी कम करें, ठीक है, गंदम को कम करें, चीनी कम करें, और जो है सैलड में भी एडिड शुगर नहीं डालनी, आपने सिंपल उसको खाना है, ठीक है। अच्छा। और फिर जो फूड में आ जाता है, अगर हम इसकी बात करें तो फूड में आप जैसे कलेजी है, ठीक है, सबसे अच्छा और सस्ता सोर्स है कि आप कोलेजन उसे ले सकते हैं, आप वीक में 2-3 पीसेस जो हैं वो आराम से खा सकते हैं, ठीक है। उसको आग में ऐसे सेक के खाना है या फिर उसको आप पूरा मसाला बना के पका के खाएं? अच्छा नहीं, ये हमारा वही गलत कॉन्सेप्ट है कि बहुत ज्यादा पकाने से वो जो रबर टाइप हो जाती है उस तरह की नहीं करनी, आपने थोड़ी सी सॉफ्ट रखनी है, 10-15 मिनट में हार्डली ये पक जाती है, इससे ज्यादा बल्कि ये भी शायद मैक्सिमम टाइम हो। तो मैं तो कलेजी 6 मिनट में पका लेती हूं, हां 6-8 मिनट्स वैसे पक जाती है, तो आप उसमें आराम से पकाएं, उसके बाद तो वो पत्थर हो जाती है, वो कोई रबड़ और पत्थर टाइप नहीं बनाना, उससे पहले पहले खा लेनी है तो आपकी बॉडी को वो एब्जॉर्ब हो जाती है। अच्छा। फिर इसके अलावा एक और सबसे अच्छी जो आसान एक टोटका है वो ये है कि बोन ब्रॉथ या जो हड्डियों का होता है, आप उसको 1-2 आवर से ज्यादा पकाएं, बीफ या मटन, कोशिश करें बीफ या मटन जो आप ले सकते हैं, सूट कर करता है आपको, कुछ लोग मना भी होता बस है, बस उसकी हड्डियों का मिक्स जो है, हाँ वो जो है वो आप उसमें पानी में बॉईल करें, कोई एडिड सॉल्ट कोई चीज़ नहीं डालनी, और थोड़ा सा आप लेमन के ड्रॉप्स डाल के उसको पिएं।